ऐसा कुछ नहीं है, बाइक को अगर आप सही तरीके से संभाल के रखो तो 15-20 साल तक बाइक को कुछ नहीं होता है। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपकी बाइक का लाइफ किस तरीके से बढ़ा जाए। यस, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है एंड फिर ये होता है कि वो कुछ 2 साल 3 साल 4 साल या 5 साल बाद बाइक इतना गंदा परफॉर्मेंस देने लगता है कि वो लोग बाइक को बेच देते हैं एंड फिर नया बाइक लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, बाइक को अगर आप सही तरीके से संभाल के रखो तो 15-20 साल तक बाइक को कुछ नहीं होता है। एंड यस, मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जिन बाइक का एज 25 साल से ऊपर हो चुका है लेकिन आज भी वो अभी के जो लेटेस्ट बाइक है उनको टक्कर देते हैं, लाइक सिंगल सेल्फ में स्टार्ट हो जाते हैं, उनके अंदर कुछ भी तरीके का भले फंक्शन या प्रॉब्लम नहीं होता है। इवन वो लोग जुने है, 25 साल हो गया है उसके ऊपर, फिर भी तो जैसे 2 साल आज की अगर बाइक को मैं लूँ और 2 साल के बाद जो उसका हाल रहता है एंड जो वो बाइक है वो 25 साल से चल रही है फिर भी उसका जो हाल है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क रहता है। सो ये क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी उसके बारे में मैं यहाँ पर आपको बात करता हूँ। एंड फिर मैं भी हो सकता है कि 5 साल बाद आपका भी बाइक एकदम नया जैसा रहे एंड जब आप उसको सेल करने जाओ या फिर आप चलाओ तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार ये बाइक तो नया ही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। बाइक की लाइफ अगर आपको बढ़ानी है तो सबसे छोटा या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों को पता ही रहेगा एंड वो है सर्विस। यस, बाइक को अगर टाइम टू टाइम प्रॉपर आप सर्विस करवाते रहो तो आपके बाइक का लाइफ बढ़ सकता है। एंड वो कितना ज़्यादा बढ़ सकता है ये तो अभी तक कुछ किसी भी बंदे ने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि फिक्स डिसाइडेड है, बट यस वो बढ़ सकता है एंड बढ़ के वो लाइक काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक वो एकदम नया जैसा रह सकता है। सो एक ये चीज़ है सर्विसिंग, आपको सर्विसिंग करवाने के टाइम पे बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए एंड सर्विसिंग स्पेसिफिक टाइम पे करवाना चाहिए। कौन से टाइम पर करवाना चाहिए उसके रिगार्डिंग भी आपको यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ। आप सर्विसिंग करवाने के लिए 2 तरीके से जा सकते हो, या तो आप पहला जा सकते हो किलोमीटर्स के हिसाब से एंड दूसरा आप जा सकते हो मंथ्स के हिसाब से। ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको जो पसंद आता है आप वो उस तरीके से सर्विसिंग करवा सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि बाइक की सर्विसिंग का एंड सर्विसिंग कौन से टाइम पर करवाना चाहिए उसका मैंने आपको 2 चीज़ बताया। एंड वो चीज़ है कि पहला तो आपको किलोमीटर्स वाइज चलते हुए सर्विसिंग करना है, दूसरा आपको पर्टिकुलर मंथ या फिर एक टाइम पीरियड आपको डिसाइड करना है कि आज मैंने सर्विस किया है तो इतना टाइम बाद मैं नेक्स्ट सर्विस करूँगा। तो वो दोनों चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे बेस्ट वे होता है कि आप किलोमीटर वाइज जाके सर्विसिंग कर लो कि लाइक एवरी 5000 किलोमीटर्स बाद या फिर 3000 किलोमीटर्स बाद, ये हर एक बाइक का अलग अलग होता है तो उस हिसाब से मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा। पहला चीज़ कि जैसे हम लोग लोअर सीसी बाइक्स में जाते हैं तो लोअर सीसी बाइक्स यानी कि 100 सीसी से लेके 125 सीसी, 150 सीसी, 160 सीसी, तो ये जो कैटेगरी आता है ये कम्यूटिंग वाला कैटेगरी आता है। एंड इस कैटेगरी में मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि आपको सर्विसिंग एवरी 2000 से 3000 किलोमीटर्स के बीच में करवा लेना चाहिए, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब कुछ बाइक्स जो होते हैं वो ज़्यादा मतलब हैवी होते हैं, हायर सीसी वाले लाइक 200 सीसी प्लस या 250 सीसी या फिर जैसे मेरा है 400 सीसी, 350 सीसी बुलेट हो गया, तो उन बाइक्स को आप 5000 किलोमीटर्स के आसपास आराम से सर्विसिंग करवा सकते हो। अगर फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल यूज़ कर रहे हो तो आप आराम से 6-7000 किलोमीटर्स के ऊपर सर्विस करवाओगे तभी भी चलेगा, मोस्टली ऑयल चेंज। बाकी कि अगर छोटे मोटे पार्ट्स में अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो यस आपको ये चीज़ें क्लियर ठीक करनी पड़ेगी। अब इसके अलावा कुछ चीज़ें और, तो जैसे बाइक के कुछ पार्ट्स हैं जो टाइम टू टाइम रिप्लेस होते रहते हैं सो आपको वो रिप्लेस करना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे एक एग्जांपल दे दूँ कि जैसे बाइक का चेन हो गया बराबर, तो लाइक जैसे मैंने नया बाइक लिया है और बाइक का चेन थोड़ा टाइम तक यूज़ होगा फिर वो लाइक लूज़ होने लगेगा, ढीला होने लगेगा एंड फिर वैसे धीरे धीरे करके वो एकदम से लूज़ हो जाएगा जब लास्ट स्टेज तक पहुंच जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर आप उसको टाइट करवा सकते हो, 2-3 बार तक टाइट करवा सकते हो बट फिर लास्ट में उसको रिप्लेस करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। सो ऑफकोर्स आपको बाइक का ये जो चेन सेट है वो आपको चेंज करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट चीज़ जो है वो चेन के बाद नेक्स्ट चीज़ जो आता है
वो आता है लाइक फॉर एग्जांपल टायर हो गया या फिर ब्रेक पैड्स हो गए, तो ये सारा चीज़ आपको टाइम टू टाइम रिप्लेस करते रहना पड़ेगा, क्योंकि वो उसका एक टाइम रहता है, उस टाइम के बाद वो घिस जाता है या फिर ख़राब हो जाता है, उसको आप ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। सो वो चीज़ें हैं। एंड अगर आप उसको सही तरीके से नहीं करवाओ सो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। यस मतलब दूसरे पार्ट को भी वो ख़राब कर सकता है। सो वो कैसे कैसे और क्या चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। तो पहला चीज़ तो है कि जैसे मैं ब्रेक पैड्स के बारे में बात करता हूँ, तो फॉर एग्जांपल कि अगर मेरा ब्रेक पैड्स ख़राब हो चुका है, मैं उसको चेंज नहीं करवा रहा हूँ, तो मेरा ब्रेक डिस्क को ख़राब कर देगा। ठीक है, तो वो मेरा ब्रेक डिस्क ख़राब हो जाएगा, तो अननेसेसरीली मेरे को दोनों चीज़ों का अभी खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेक्स तो लगेंगे नहीं ना फिर। तो वो चीज़ है। एंड दूसरा चीज़ ये है कि आपका जैसे चेन के बारे में बात कर रहे थे, तो चेन एक टाइम बाद लूज़ होना स्टार्ट हो जाता है। जब वो लूज़ होना स्टार्ट हो जाता है तो पहला चीज़ आपको माइलेज बहुत कम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा चीज़ ये है कि आपका इंजन गियर शिफ्टिंग हार्ड हो जाएगा, एंड आप बाइक चलाते रहोगे तो वियर्ड नॉइस आते रहेगा खाट 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 करके। फिर इसके अलावा जो है आपका जो ये क्या बोलते हैं चेन का जो सेट रहता है जो गियर जैसा दिखता है वैसा, तो वो भी उसको खाने स्टार्ट कर देता है, क्योंकि चेन लूज़ हो जाता है तो उसको खाना स्टार्ट कर देता है। सो फिर वो उसके जो दांत है वो टूट जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं, फिर आपका बाइक बराबर से आपको ग्रिप नहीं दे पाएगा। तो ये एक वियर्ड चीज़ हो सकता है आपके साथ। सो बेटर चीज़ ये है कि जब आपका चेन ज़्यादा ही लूज़ हो जाता है तो उसको रिप्लेस करवा लो, या फिर ऐसा कोई भी पार्ट है जो ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है तो उसको रिप्लेस करवा लो। ब्रेक पैड्स एंड चेन एंड ये सब इतना जल्दी लूज़ नहीं होता, ये भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ, इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे अगर मैंने आज बाइक लिया है तो आज बाइक लेने के बाद ब्रेक पैड्स आराम से 30-40,000 किलोमीटर्स तक चल जाते हैं, अगर उनमें कोई भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं हो या फिर आपने उसको ज़्यादा ही हार्ड या हैवी प्रेस नहीं किया हो, तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। चेन का बात करते हैं तो हर एक कंपनी या फिर हर एक जो चेन आता है वो अलग अलग तरीके का आता है, सेम ब्रेक पैड्स में भी होता है। सो मैं ये नहीं बोल सकता कि चेन इतना टाइम बाद हो जाएगा। जैसे मेरा डोमिनार का चेन अभी 18,000 किलोमीटर्स हो चुके हैं एंड वो टोटली लास्ट सेटिंग पे चल रहा है। सो आई थिंक सो अभी और ज़्यादा वो चेन नहीं चलेगा, एंड एनी टाइम पे उस चेन को हमको रिप्लेस करवाना पड़ सकता है। मतलब और ज़्यादा से ज़्यादा चला तो 2000 किलोमीटर, मतलब 20,000 किलोमीटर के बाद सोचो कि मेरा चेन रिप्लेस हो सकता है। सो कुछ इस तरीके से है। अरे वाह, सिग्नल खुल गया। डोमिना, तो ये कुछ चीज़ें इस तरीके से है। अभी इसके बाद आगे की और कुछ चीज़ों का बात करते हैं जो कि आपको ध्यान देना पड़ेगा, एंड वो है ऑयलिंग। यस, लोग ये चीज़ नहीं करते, तो थोड़ा टाइम बाद आपको अपने बाइक को ऑयलिंग करवाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारे पार्ट्स को कंटिन्यूसली मूवमेंट करने के लिए एक टाइम होता है, एक स्पेसिफिक लाइक उसके बाद वो ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड हो जाता है, वो घूमता नहीं है सही तरीके से, तो वहाँ पे ऑयल लगाना बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। एंड वॉशिंग भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप बाइक को धो सकते हो। जो दोनों में आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस तरीके से धोना है, अगर आपको खुद से नहीं धोना है एंड लाइक ऐसे जो लोग धोते हैं मशीन से, तो आप मशीन से भी धोने के लिए लेके जा सकते हो या फिर आप खुद से भी वॉश कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू। मैं पर्सनली खुद से वॉश करना पसंद करता हूँ, इसीलिए नहीं क्योंकि मैं पैसा बचाना चाहता हूँ, बट इसीलिए क्योंकि ये बाइक मेरा है एंड आपको पता है कि मैं इससे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। सो ऑफकोर्स इसीलिए मैं इसका जो देखभाल है वो खुद से ही करना पसंद करता हूँ। सो एक और ये चीज़ है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं एवरी वीक एक बार अपना बाइक धोता हूँ एंड इसीलिए मेरा बाइक हमेशा नया जैसा लगता है। दूसरा चीज़, कुछ छोटा सा प्रॉब्लम होता है तो मैं उसको सर्विस करवा लेता हूँ या फिर उसको ठीक करवा लेता हूँ एज सून एज पॉसिबल, तो जिससे बाइक का लाइफ बढ़ते रहता है एंड बाइक का परफॉर्मेंस, बाइक का जो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जो चलाने का फील है
वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। तो बहुत सारे लोग मतलब मेरा डोमिनार चलाते हैं, उनके पास भी डोमिनार है, एंड जब वो मेरा डोमिनार चलाते हैं तो बोलते हैं कि अरे यार ये मतलब आपका बाइक एकदम से स्मूथ कैसे है। बट ये स्मूथ कैसे है क्योंकि मैंने इसके ऊपर लाइक इतना ज़्यादा ध्यान दिया है, राइट। सो अगर मैं यही चीज़ नहीं करना बंद कर दूँगा तो मेरा बाइक भी वैसा ही होना स्टार्ट हो जाएगा। सो हर बाइक में छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये बाइक में नहीं है वो बाइक में नहीं है, बट हर बाइक में छोटे मोटे प्रॉब्लम आते रहते हैं, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो आपको ये थोड़ा सा छोटा सा एक चीज़ है जो संभाल के करना पड़ेगा, जिसके वजह से आपका बाइक का लाइफ बढ़ सकता है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप सो आपको ये वीडियो में मैंने इनफ इन्फॉर्मेशन दिया है एंड जिससे आप लोगों को सब तरीके का आइडिया मिला है, एंड आप अभी इस चीज़ पर फोकस करोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक इट, नए हो तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर देना, एंड अगर आपको इसके अलावा और भी कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, गुड लक, गॉड ब्लेस यू ऑल।